सूरज डूब रहा है। बब्लू डब्लू पार्क में क्लास खत्म हो चुकी है। बाय बाय। अजीब बात है, मेरा केला कहाँ है? कहीं मिल नहीं रहा। बहुत डर लग रहा है, जल्दी जल्दी ढूंढना चाहिए। अच्छा तुम हो मुन्ना, मैं तो डर ही गया था। राजकुमार लल्लू, हमें जाना चाहिए। नहीं रुक जाओ, मुझे अपना केला ढूंढना है। क्या तुम्हें मिला? राजकुमार लल्लू, ये क्या चीज है? मुझे नहीं पता, छुप जाते हैं। राजकुमार लल्लू, मुन्ना। उसने हमें नाम से बुलाया, उसे हमारे नाम कैसे पता है? राजकुमार लल्लू, अब हम क्या करेंगे? राजकुमार लल्लू, मुन्ना। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों अभी तक घर क्यों नहीं गए? बहुत देर हो रही है। ये शोर कैसा आ रहा है? ये मेरे पेट से आवाज आ रही है। देखो मैं वजन कम कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोज सुबह खाली पेट दौड़ लगाता हूँ। बेचारे। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। आजकल मैं स्वादिष्ट मसालेदार खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे और राजकुमार लल्लू को लगा कि कोई राक्षस है। आराम से खाओ। हे मिस्टर बंटा, कल मेरे और राजकुमार लल्लू के साथ कुछ मजेदार बात हुई। क्या सच में? बताओ मुझे। कल हमने बब्लू डब्लू पार्क के गेट के सामने एक अजीब सा जानवर देखा। वो बहुत लंबा था, उसके बाल काफी काले और घने थे, और उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। और वो डरावनी आवाज निकाल रहा था, और वो ऐसे चल रहा था। जंगल में एक अजीब सा जानवर, मुझे उसके बारे में जाकर सबको बताना होगा। आपको क्या लगता है मिस्टर बंता, वो कौन सा जानवर हो सकता है? मुझे नहीं पता। वो कोच डमरू थे। क्योंकि कोच डमरू वजन कम कर रहे हैं, इसलिए उनके पेट से आवाजें आती हैं। वाह, कैसे कर लेते हो तुम ये? शुक्रिया, मुझे गड्ढे खोदना पसंद है। मेरे पास ये स्वादिष्ट गाजर भी है, ये लो। मेरे लिए? हाँ। शुक्रिया मंगू। बड़ी खबर, बड़ी खबर। क्या हुआ पिंकी? मैंने सुना है कि जंगल में एक ऐसा जानवर आया जिसे हमने कभी नहीं देखा है। एक अनजान जानवर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने सुना है कि वो बड़ा और लंबा है, और वो सर से पांव तक पूरा काला है, और उसकी आंखें रात में चमकती हैं। मैंने ऐसे जानवर के बारे में कभी नहीं सुना। ये सच है। और वो ऐसा आवाज करता है, गुलुलुलुलुलु। ये मजाक नहीं है। ओ हाँ, राजकुमार लल्लू और मुन्ना ने देखा है, ये स्कूल के आसपास कहीं है, पर अभी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। इतनी मिट्टी मत उड़ाओ, हम बीमार हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मंगू, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे छोटे और बड़े को बताना होगा। रुको मंगू। क्या तुम सबको पता है कि जंगल में एक बड़ा सा गुलू राक्षस आ गया है? एक बड़ा सा राक्षस? मैंने तो कभी कोई राक्षस के बारे में नहीं सुना। क्या तुम्हें लगता है कि वो आसमान से आया है? आसमान? तो क्या वो उड़ भी सकता है? वो कोच डमरू जितना बड़ा है, और वो उड़ सकता है, और वो डरावनी आवाजें भी निकालता है। मेरी को, क्या तुम्हें पता है कि वो गुल्लू राक्षस आ रहा है? क्या गुल्लू? क्या वो ऐसी आवाज निकालता है गुलुलु, और वो कोच डमरू से भी ज्यादा बड़ा है। वो बहुत डरावना है। सही में?
सुना है वो पहाड़ जितना बड़ा है और वो जब चलता है तो धरती हिलती है। दिन में वो दिखाई नहीं देता मगर शाम को वो दिखाई देता है। शाम को? तुम्हें शाम नहीं पता? ये वो समय है जब सूरज ढलता है। मुझे कुछ जरूरी ध्यान में आ रहा है। कोच डमरू तो रोज शाम के वक्त भागने जाते हैं। अगर कहीं उन्हें गुल्लू राक्षस मिल गया तो हम क्या करें? कोच डमरू खतरे में है। दोस्तों हमें कोच डमरू को राक्षस के बारे में बताना होगा। हाँ, गुल्लू राक्षस को हराने के लिए कोच डमरू को हमारी जरूरत है। बिल्कुल सही। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो चलो अभी कोच डमरू के पास चलते हैं। चलो चलो, चलो! अरे आओ भी। मिस बैनर्जी, क्या बात है? मिस बैनर्जी, क्या आपने कोच डमरू को देखा है? कोच डमरू? वो जॉगिंग के लिए गए हैं। मिस बैनर्जी, आपको कोच डमरू को बचाना होगा। गुल्लू राक्षस यहाँ पर है। गुल्लू राक्षस? वो ऐसी आवाज निकालता है। मुझे बताओ बच्चों, तुमने गुल्लू राक्षस को कहाँ देखा? वो मुन्ना, मुन्ना क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। वो मिस बैनर्जी, मैंने उस राक्षस को नहीं देखा, पर ये सच ही होगा क्योंकि रिंकी ने मुझे बताया है। ये सही कह रहा है, किसने मुझे बताया? मैंने सुना था मुझसे। मैंने गुल्लू को राक्षस के बारे में बताया था और वो दिन में गायब भी हो जाता है। और मैंने सुना है कि वो रात में ऐसे चलता है, धूम 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 धूम, पूरी धरती हिलती है। आवाज वहाँ से आ रही है। ये क्या गुल्लू राक्षस है? मुझे डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चों क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? देखो दोस्तों, वो कोच डमरू है। कोच डमरू ये आप हो? हमें लगा गुल्लू राक्षस आ गया है। गुल्लू राक्षस? ये क्या है? गुल्लू राक्षस एक बहुत बड़ा राक्षस है। हाँ बिल्कुल सही, सच में। दोस्तों क्या हम कोच डमरू को ही गुल्लू राक्षस समझ रहे थे? बच्चों ध्यान से याद करो, ये गुल्लू राक्षस की अफवाह किसने सबसे पहले उड़ाई? मुझे सब याद आ गया। आज सुबह मैं और मुन्ना मिस्टर बंता से बातें कर ही रहे थे कि हमने एक राक्षस को देखा है, पर फिर पता चला कि वो तो कोच डमरू थे। राजकुमार लल्लू, तुमने जो भी मिस्टर बंता को बताया था, क्या वो कोच डमरू के बारे में था? हाँ बिल्कुल। मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मुझे लगा कि वो एक राक्षस है और मैंने मक्कू को बता दिया। तो ये गलती है, पर वो डरावनी आवाज कहाँ से आती थी बताओ? हाँ, और उस आवाज का क्या? बच्चों यहाँ आओ मेरे पास। क्या तुमने ऐसी ही आवाज सुनी थी? हैं? मैंने सुना, यही आवाज थी वो। कोच डमरू ही सच में वो राक्षस है। मैं आजकल कम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसी आवाजें निकलती रहती हैं। तो ये हुआ था। हे बच्चों, तुम्हें पता है कि हमने कोच डमरू को गुल्लू राक्षस समझ लिया क्योंकि हमने कुछ गलत सुना। ये अच्छी बात नहीं है, अफवाहें फैलाना अच्छा नहीं होता। अगली बार फिर मिलेंगे।